हेलो फ्रेंड्स, हिंदी टेक एक्सप्रेस में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल इंडिया ने अभी गूगल का एक तेज ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जो कि पेमेंट सिस्टम के लिए यूज़ में आएगा। तो उसको जिस तरह से हम अभी यूज़ कर रहे हैं भीम को, या फिर हम पेटीएम के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी यूपीआई ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इस तेज का यूज़ कर सकते हैं। और ये गूगल तेज जो ऐप है काफ़ी अच्छा, काफ़ी एडवांस है। इसको किस तरह से यूज़ में लाना है, क्या किस तरह से रजिस्टर करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो देखते रहिए हिंदी टेक एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से तेज ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आपको जो है ऐप दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको बता रहा हूँ, इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे की साइड में देख रहे हैं ओपन इन प्ले स्टोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप गूगल के प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और वहाँ से ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं, ये गूगल का प्ले स्टोर आ गया और प्ले स्टोर पर ये ऐप आ गई, यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये जो ऐप है 6.9 MB की है, बहुत जल्दी, बहुत ही इजी ऐप है। तो इसको हम इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गूगल का जो तेज ऐप है ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चल रही है। आपको ये जो ऐप है मेरी दी हुई लिंक से लेना है नीचे से। अगर आप वहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स आपको 51 रुपीज़ का इंस्टेंटली बैलेंस मिल जाएगा आपके वैलेट में। तो इसलिए आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। आप चाहे गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको जो है बैलेंस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से जो है 51 रुपीज़ का आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपका जो है रहेगा, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे कुछ देर के बाद में ये इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या फिर हिंदी, या जो आप चुनना चाहें कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर ली इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ऊपर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। आप याद रखें कि मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके बैंक अकाउंट्स में, बैंक्स में लिंक हो। क्या है कि इसके डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब गूगल की तरफ से ओटीपी आएगा मेरे इसी नंबर पे, इसलिए आप ये कंफर्म करके रखें, ये श्योर रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, जो बैंक में कनेक्टेड है, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, वो चालू हो और नेटवर्क में हो। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक कंफर्मेशन बता रहा है कि आपका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, मैं अभी के लिए इसी को रहने देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक SMS भेजा जाएगा गूगल की तरफ से और वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं मैसेज का, मैसेज आने का। ये ऑटोमेटिकली जो है वेरीफाई हो जाएगा गूगल की तरफ से मैसेज आने के बाद में। कई बार ये जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, कई बार अगर नहीं करता है तो आप खुद यहाँ पर डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर चुका है। अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एक अपना गूगल का, या तो आप पैटर्न लॉक जो है गूगल में आपके मोबाइल में उसी को यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे क्रिएट पिन गूगल पिन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट गूगल पिन पे मैं कर देता हूँ, जहाँ पर 4 डिजिट का मुझे जो है वो पिन डालना रहेगा। और यहाँ पर एक मैसेज भी नीचे लिखा हुआ है कि आपका मोबाइल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है गूगल के सर्वर पर आपका 4 डिजिट जो पिन डालेंगे वो सेव होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पिन डाल देता हूँ। एक बार फिर मुझे री एंटर करना है यहाँ पर।
मैंने डाल दिया, अब ये वेरीफाई हो रहा है, गूगल के जो सर्वर है उस पर सेव हो जाएगा और हम जो है ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं ऐप के अंदर जो है एंटर कर चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यू ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा यहाँ पर दिया है किस तरह से जो है हम पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपका बैंक अकाउंट का यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो है गूगल के जो पेमेंट ऐप है तेज, उसमें आपका अकाउंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से इसमें मनी को ऐड करना है या किसी दूसरे जो है तेज अकाउंट यूज़ कर रहा है उसमें हमको सेंड करना है, या फिर इससे कहाँ कहाँ क्या क्या और ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, क्योंकि गूगल ने अभी इसको अभी इसको लॉन्च किया हुआ है और अभी मैंने इंस्टॉल किया है इसको, मैं देख लेता हूँ और इसके बाद में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो फ्रेंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताना ना भूलें। और उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा हिंदी टेक एक्सप्रेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लें, ताकि इस तरह के और भी टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।